हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में देसी फार्मिंग में। आज हम आए हैं अपने खेत में और आज ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये RBG 202 है, जो कि 14 नवंबर के दिन इसकी बुआई हुई थी। तो आज करीब 1 महीना होने वाला है, तो आज हम इसकी ग्रोथ देखेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो चने की फसल बहुत अच्छी है, इसमें फुटाव भी अच्छा आ रहा है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, एक पौधा, सिंगल पौधे की बात करूं तो इसका फुटाव देखते हैं अभी अपन। तो ये एक सिंगल पौधा है, ये डबल पौधे हैं। तो इनमें आप फुटाव की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12-15 के समथिंग ब्रांचें निकली हैं। ऐसे ही एक ये पौधा है, तो इसकी आप देखें क्या बढ़िया फुटाव लिया है इसने। ये पौधे को आप देख सकते हैं, ये एक सिंगल पौधा है, बहुत, ये भी एक सिंगल पौधा, बहुत फुटाव तो अच्छा। लेकिन कहीं कहीं पे हमारे क्या है, ये पौधे जो हैं ये सूख रहे हैं, और ये वही जड़ विगलन की समस्या है, फ्यूजेरियम बिल्ड जैसे बोलते हैं, उमला उमला रोग। खैर ये हमारा, हम इसमें इसलिए कुछ अभी दवाई नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत चना ज़्यादा मात्रा में घना बो गया था जैसे बोलते हैं, और बहुत पास पास लगा है। तो इसमें अभी हम कोई भी दवाई के प्रयोग करने के मूड में नहीं है, क्योंकि हम सोच रहे हैं ये थोड़ा और उखड़ जाए उसके बाद हम कोई दवाई से इसको रोक सकते हैं। क्योंकि ये जो तना, ये जड़ विगलन की समस्या है, इसकी जड़ें ये सफ़ेद हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि इसे हम दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिर्फ 1.5 महीने तक ही होता है, चने की फसल में ये 1.5 महीने का होता है। लेकिन जो जड़ काली पड़ के, अभी मेरे खेत में है नहीं, नहीं तो मैं आपको बता था, काली पड़ के अगर सूखता है चना तो वो आपको बुआई से लेकर कटाई तक परेशान करता है। ये हमारा चना RBG 202 है। कहते ही हैं कि ये प्रतिरोधक क्षमता है इसमें ज़्यादा है, लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। आप देख रहे हैं मेरे बहुत सारे पौधे सूख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सूख रहे हैं, और ये सूखे में बुआई हुई थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, सूखे में बुआई हुई थी। तो इसमें अब हम पहला स्प्रे करेंगे अभी कुछ दिन बाद, या तो अभी इल्ली देखी तो अभी 2-4 दिन में कर देंगे, या फिर इसमें हम करेंगे 45 से 55 दिनों में। और उसमें हम एक बहुत ऐसी दवाई डालेंगे फूल के लिए, जिससे फूल स्पेशल फूल के लिए ही होती है, वो बढ़वार रोक देगी। तो सबकी जानकारी आपको मैं देते रहूँगा, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तभी मैं आपको मेरे खेत में एक और चना जो लगा है, इसकी करीब करीब उम्र 1 महीने की हो गई है, 1 महीने की नहीं अभी इसकी 26-27 दिन की उम्र है, क्योंकि पानी लेट हुआ था इसमें। आगे मेरा लगा है JG 36 चना, मैं उसको और आपको दिखाता हूँ अभी। इसमें बहुत घना चना लगा दिया है हमने, इसलिए हम इसमें कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं, जितना उबलना है उबल जाए, ज़्यादा ना उबले, जैसे ज़्यादा की हमें समस्या लगेगी हम इसमें स्प्रे कर देंगे कार्बन डाइजम का, जो UPL के साफ नाम से आता है, कार्बन डाइजम प्लस। इसमें थोड़ा अच्छा लगा है, इसमें दूर दूर लगा है, बेग रहा है, ज़्यादा घना नहीं है, तो इसमें अभी कोई हमें सूखने की समस्या नहीं लग रही है। और 1-2% जो पौधे हैं वो तो सूखेंगे ही, आप कुछ कर लो। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ हमने JG 36 लगाया, उसकी ग्रोथ और बताता हूँ। वो चना अभी हमारा करीब करीब 20-22 दिन का है, बस छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उस चने की ग्रोथ वगैरह अपन देखते हैं अभी। ये अपना JG 36, इसकी ब्रांचें देख लें इसमें भी बहुत मस्त ब्रांचें दिख रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें भी बहुत मस्त फुटाव हो रहा है। तो ये भी, इसमें भी अभी हमें कोई उबलने वाली समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। तो यही थी आज की वीडियो, ये हमारा 22 दिन का चना है, इसमें कोई रोग नहीं है, वो थोड़ा सा उमल रहा है, वो 40 दिन का चना है, 30 दिन का चना है, RBG 202, ये है JG 36। हम आपको इनकी शुरुआत से लेकर हमने क्या स्प्रे किया क्या नहीं किया, हम आपको पूरी सारी जानकारी देंगे एवं उत्पादन भी बताएंगे क्लियर कि कितना निकला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ये हमारा ट्रांसफार्मर रखा है, वो एक छोटी सी क्वार्टर बनी जिसमें पाइप वगैरह रखे रहते हैं।
तो ये अपना चना है, यहाँ ऊपर भी चना लगा है, ये देसी चना है, इसका कोई वैरायटी का नाम तो नहीं है, ये पुराना था हमारे पास, हमने बोई बो दिया है यहाँ पे। हमें उत्पादन देखना है, इसमें बहुत ही घना है, इसमें भी हमें कोई समस्या नहीं उमलने वाली। बस आप एक बात का ध्यान रखें, चने की पौधे पौधे की दूरी कम से कम 8 से 10 इंच रखें, और चाहे आप उस बीज मात्रा को बढ़ा दें तो 50 किलो बो सकते हैं 1 एकड़ में, लेकिन जो दूरी है वो ज़्यादा रखें ताकि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें उसको मदद मिल पाए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ये गेहूं लगी है, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, अब हम स्प्रे करेंगे तो आपको बताएंगे हमने क्या क्या डाला है। ये रास्ता है हमारा।